बाहुबली 2 इस समय आय के नए कीर्तिमान बना रही है। ये बात सही है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म ये बन गई है, लेकिन इसके आधार पर इसे सबसे सफल कहना भी सही नहीं होगा। आज से 20 या 50 वर्ष पूर्व और वर्तमान के टिकट दरों में जमीन आसमान का अंतर है। इसी के आधार पर सनी देओल को लेकर गदर एक प्रेम कथा नामक फिल्म बनाने वाले अनिल शर्मा बाहुबली 2 की सफलता को बहुत बड़ा नहीं मानते और उनका कहना है कि ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। अनिल का कहना है कि उनके द्वारा निर्देशित गदर 2001 में प्रदर्शित हुई थी और फिल्म ने 265 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। उस समय अधिकतम टिकट दर 25 रुपए थी। यदि आज के टिकट रेट के आधार पर कलेक्शन जोड़ा जाए तो ये 5000 करोड़ रुपए होता है, जबकि बाहुबली तो 1500 करोड़ तक पहुंची है।